आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे। ठीक है, कैसा हो सकता? हम कहेंगे, और इसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे तो। और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा थे, अब टोटका आचार्य होगा। आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से, शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस दो चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना, जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए सेवा करे चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे पोषण करे उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया
हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है शंकर के प्रति, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, तो धारण करेगा। समाज